जयपुर जिले के शिक्षकों ने राजस्थान शिक्षक संघ के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर संभागीय आयुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान शिक्षक संघ ने 11 सूत्री मांगों को लेकर यह ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों का कहना है कि केंद्र के शिक्षकों के समान सातवां वेतन दिया जाए, साथ ही वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। प्रशासनिक अध्यक्ष सियाराम शर्मा ने कहा कि सरकार ने पहले आश्वासन दिया था लेकिन हमारी मांगे नहीं पूरी की गई। मांगे पिछली सरकार से चली आ रही है। गहलोत सरकार सत्ता में आने से पहले इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में लिए, सामन कमेटी थी वो लाते हम लागू कर देंगे, सामन कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी, इन्होंने नई खेमराज कमेटी बना दी, उसका कार्यकाल लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। लगभग 4 साल गुजर चुके हैं लेकिन कर्मचारी की जो आर्थिक मांगे थी आज के तक यथावत बनी हुई है। केंद्र के समान वेतन भत्ते जो हमें मिलने चाहिए, 9, 18, 27 की जगह हम इसको करना चाह रहे हैं और 8, 16, 24 करना चाह रहे हैं, वो नहीं है कर पा रहे। और 20 साल की सेवा पर इनको पेंशन देनी चाहिए, उसको मांग कर रहे हैं हम। और भी बहुत सारी अलग अलग केंद्र के अलग अलग मांगे, हमें केंद्र के बराबर वेतन भत्ते चाहिए और हमारे जो सभी शिक्षक हैं इन लोगों को एक स्थानांतरण पॉलिसी चाहिए और इसी के साथ साथ विद्यालयों में हमारे जो भी कार्य हैं उनको भी नियम से करने के लिए हम आज सब शिक्षक संघ सियाराम के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम अपना एक 11 सूत्री मांग पत्र जिलाधीश कार्यालय को जिलाधीश महोदय को देना चाहते हैं।